वेलकम टू न्यू वीडियो। अब हम द्वारकाधीश मंदिर से चलते हैं सन टेंपल की तरफ। नगर पालिका मंडल झारा पाटन द्वारा द्वारकाधीश मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पर अक्सर कथाएं होती है। जो भी संत महात्मा यहाँ पर आते हैं और अपने ज्ञान से सबको जय श्री राम। अब हम चलते हैं मदन विलास पैलेस की तरफ, बाहर से देखेंगे उसको। छोटा सी गेट खुला हुआ है कि नहीं, प्रोबेबली अलॉटेड टू BSTC, सो गेट माइट बी क्लोज्ड। देख सकते हैं आप, एक बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये है मदन विलास पैलेस और ये बंद है अभी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान झालरा पाटन, ये लॉक्ड है। बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये मदन विलास पैलेस, ये देखिए सैंडस्टोन से बना हुआ, रेड सैंडस्टोन एंड भूरा रेड, भूरा स्टोन होता है उससे बना हुआ। इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो महाराज राणा भवानी सिंह थे झालावाड़ के, उनके द्वारा लाइब्रेरी बनवाई गई थी। इस तरफ चलते हैं हम, यहाँ पर शनि मंदिर और एक मस्जिद भी है यहाँ पर। शनि मंदिर, अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानियाँ आ रही है तो वो यहाँ आकर शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हैं तो उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। राइट हैंड साइड शनि मंदिर है। खानपुर झालरा पाटन। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है सूर्य मंदिर, आप देख सकते हैं। अभी इसका मेन गेट खुला हुआ नहीं है, जो मेन गेट पर जो द्वार बनाया गया है ये मुग़ल राजपूत शैली में है, और ऊपर जो कैनोपी बनाई गई है ये बाद में बनाई गई है, संभवतः आक्रमणों के बाद जो छतरियाँ और ये कैनोपी बनाई गई है, इसका रिकॉर्ड देख लीजिए आप। शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से 10वीं शती ईस्वी का आकर्षक संपूर्ण और सुरक्षित मंदिर है। कच्छ घाट शैली में निर्मित, इसका विशाल काय शिखर 98 फीट ऊंचा है और मंदिर में 52 स्तंभ है। कीचक घट पलव मयूराकृतियाँ बनी हुई है, इसके तीन और तोरण द्वार हैं। आगे मुखमंडप है, त्रिमंडप है, गर्भगृह है। शिल्पांगन में शिव वैष्णव शाक्त दिक्पाल नवग्रह सप्त मातृकाओं की प्रतिमाओं सहित नृत्यवादिकाओं के पट तथा साधुओं की योग क्रियाओं का भी अंकन है। तो देखिए आप, इसका जो जीर्णोद्वार किया गया था उसका पट जो वो है, संभवतः ये है, जब इसकी मूर्ति चोरी होने के बाद जो दूसरी मूर्ति इसमें लगाई गई। कितने बजे खुलता है हाजी, कितने बजे खुलेगा? कोई टाइम नहीं है, 7 बजे। इसको देख सकते हैं हम, ये संभवतः वो शिलालेख होगा जिसमें विवरण दिया गया है कि
का जीर्णोद्धार करवाया गया। बाहर वहाँ को आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का तोरण द्वार बना हुआ है और स्तंभ दोनों साइड द्वारपाल जैसी मूर्ति बनाई गई है जो हाथ में दंड लिए हुए हैं और पिलर्स जो कार्व्ड हैं विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां पर फेरी गई है। ऊपर आप देख सकते हैं जो कपल्स की मूर्तियां बनाई हुई है ऊपर और ये जो छतरी है राजपूत स्टाइल की छतरी है। इसको बाहर से देख लेते हैं, संभवतः पुजारी आ जाएं, उसके बाद हम इसको अंदर से देखते हैं। छतरी बनी हुई है, ये भी पुरानी छतरी बनी हुई है, मतलब रिनोवेशन के बाद की छतरी है। अब इसमें देखिए बाहर वहाँ के एक एक पिलर के ऊपर कहीं चार हैं और कहीं ज़्यादा बाहर वहाँ के हैं। ये प्रमुख तीन तोरण द्वार हैं इसके, इसमें से ये एक तोरण द्वार है। तो आप देखिए इसका जो शिखर है वो भूमि शैली का बना हुआ है। इसमें सिंह की मूर्ति बनाई हुई है। आप इसमें देखिए मूल श्रृंग है, फिर उरु श्रृंग है और फिर ये बाहर का कर्ण श्रृंग है और इसका जो शुकनासा है वो काफ़ी इलेबोरेट बनाया गया है। अमालका है ऊपर, कितनी बड़ी अमालका है आप देखिए, 98 फीट का टेंपल है भूमि शैली का। और इसके जो निशेष श्राइन है इसमें देखिए आप, ये निशेष श्राइन में वराह पृथ्वी को अपने हाथ पे उठाए हुए हैं। इसकी भूमि शैली की स्थापत्य जो विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। आप देखिए इसको डिफरेंट स्पायर्स हैं इसके और वर्टिकल में ये 1, 2, 3, 4, 5 इसके कूप स्तंभ बने हुए हैं। यहाँ पर शीर्ष है और उनके स्तंभ हैं, तो वर्टिकल में ये पांच कॉलम्स जाते हैं ऊपर, लेकिन मेन पर जाकर तीन ही रह जाते हैं वहाँ पर। और हॉरिजेंटल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो जो वर्टिकल कूटस्तंभ होते हैं वो 3-5 होते हैं और जो हॉरिजेंटल होते हैं वो 5-9 होते हैं। तो ये तीन कॉलम्स तो वर्टिकल हैं इसे कूटस्तंभ और 7 कॉलम्स हॉरिजेंटल हैं। आप देखिए एक मंकी बैठा हुआ है वहाँ पर, बहुत आप नहीं देख पा रहे हैं, उसमें कुछ खाते हुए हैं विभिन्न भाव भंगियाओं में। आप इसकी वेदी बंद देख सकते हैं, अधिष्ठान देख सकते हैं, फ्रीजेस देख सकते हैं जिनमें काफ़ी एलिफेंट की मूर्तियां हैं और इसके ऊपर विभिन्न देव देवताओं का विभिन्न अवस्थाओं में चित्रण है। और मकरमुख है वहां पर, आप देखिए वो मकरमुख आप देख सकते हैं वहां पर। तो ये भूमि शैली का मंदिर है। भूमि शैली के मंदिर जो अलग अलग तल के बने हुए होते हैं वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये मालवा के जो परमार रूलर थे उनके द्वारा विकसित की गई एक प्रकार की शैली थी, जो नागर शैली के मुख्यतः जो वेल डेवलप्ड मंदिर हैं उनमें पाई गई है। देख सकते हैं आप ये जो मिथिक गोड है याली, जिसके नीचे का जबड़ा पूर्णतः विकसित नहीं होता है, उस तरह का ये दृश्य लग रहा है जिसके हाथ में संभवतः एक युवती है। ये इस
5 है, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे कूप स्तंभ काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं, पुरुषरंग बने हुए हैं और काफ़ी बड़ी अमालका है। और इसका जो अंतराल है वहाँ पर ये शुकनासा बना हुआ है जिसको अलग ही रूप दिया हुआ है, और सूर सेनक में अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हुई है। आप वो देखिए सूर सेनक, जहाँ पर एक सिंह की मूर्ति, उसके पीछे एक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो वो सूर सेनक है जो वेल डेवलप्ड फॉर्म में है। और ये एक और इसका शिखर बनाया हुआ है, और बीच में जो ये डॉम्स बनाए हुए हैं ये बाद में बनाए हुए हैं, और ये जो साधु बैठे हुए हैं आप इनका जटा देखिए, उंगलियाँ देखिए और मुख के भाव देखिए। आपको यहाँ से नहीं दिख पा रहा होगा, आप ये देखिए, ये तीसरा तोरण द्वार है, इसमें भी भारवाहक है। तो इस पर जो संतों की मूर्तियां लगाई हुई है, देखते हैं आप यहाँ पर बाहर भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बाहर वहाँ की जो मूर्तियां हैं वो थोड़े डार्क कलर में हैं, संभवतः ये तो पत्थर हो, इसी तरह का पत्थर हो। ऊपर जो छतरियाँ हैं वहाँ भी कपल्स के मूर्तियां बनाई हुई है। अभी मंदिर खुला हुआ नहीं है, आप ये देखिए, ये जो वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं उनकी जटा, उनकी भावभंगिमा, दंड, हाथ में माला फेरते हुए, कितना अद्भुत बनाया हुआ है मूर्तियों को। एक मूर्ति ये देखिए आप, आप उसकी मूछें, आंखों के भाव देखिए, हाथ में माला फेरते हुए, पैर के अंगूठे, हाथ की अंगुलियां और उसकी जटाएं, कितना सम्मोहक है। इस तरह से बनाया हुआ है जैसे अभी आपसे वो बोल ही पड़ेगा। और जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय के संत की मूर्ति है आपको देखिए, केश विन्यास देखिए उसका, हाथ और दंड जिस पे उसने हाथ रख रखा है, कलश और कमर के आसपास जो माला उसने पहन रखी है वो देखिए। अमालका का आप देखिए चित्र, कितनी बढ़िया अमालका है, जो सोने का कलश ही है, झाला जालिम सिंह द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास स्थापित करवाया गया था। वही समय रहा होगा जब ये सन टेम्पल से वैष्णव मंदिर बन गया, लेकिन पुरानी इसकी जो स्थापना है वो सन टेम्पल के नाम से हुई है, तो इसको लोग आज भी सन टेम्पल बोलते हैं, लेकिन ये पद्मनाभ भगवान का मंदिर है। अब हम मूर्तियां देख लेते हैं कुछ, ये देखिए आप, स्क्रीन कला है ये एक प्रकार से मूर्तियों का विश्वकोश है। कितने सालों तक कलाकारों ने इन मूर्तियों को तराशा होगा, जब जाकर इतना भव्य मंदिर तैयार हो पाया।
मकर का मुंह है, उसके पास निश्च शयन में आप एक नारी की केश सज्जा करते हुए एक मूर्ति दिखाई गई है और ये निशेष के नीचे जो फ्रीजेस हैं वहाँ पर आप देखिए एलिफेंट्स की मूर्तियाँ बनाई हुई है, हजारों एलिफेंट्स होंगे इसमें और इसके ऊपर जो है वो विभिन्न कपल्स हैं जो विभिन्न पोस्टर्स में देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, म्यूजिशियंस की मूर्तियाँ हैं, डांसिंग प्लेइंग की मूर्तियाँ हैं, आप अनेक तरह की मूर्तियां देख सकते हैं। ये संभवतः कुछ म्यूजिशियंस हैं जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और ये वेदी बंद है, जीवन की विभिन्न कार्यकलापों करते हुए विभिन्न भावभंगिमाओं को लिए हुए मूर्तियाँ बनाई गई हैं। राइट हैंड साइड में देखिए आप, विभिन्न पॉजेज में अप्सराएं हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, देवी और देवियों देवताओं की मूर्तियाँ भी वहाँ पर उकेरी हुई हैं। ऊपर विभिन्न शारीरिक स्वास्थ्य की मूर्तियाँ यहाँ पर उकेर कर मंदिर पर स्थापित की गई हैं। ये देखिए आप शिखर, ये नीचे मूर्तियां म्यूजिशियंस डांसर्स कपल्स गॉड एंड गॉडेसेस की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं और देख सकते हैं आप नीचे फ्रीजेस पर एलिफेंट्स हैं। नागर शैली की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म है भूमिज शैली, ये मंदिर भूमिज शैली का एक अनुपम उदाहरण है। देखिए आप शाइन नेसेस में अलग अलग तरह की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, बाहर की तरफ अनेक अप्सराओं की मूर्तियाँ बनाई हुई है और जो सब शिखर है उसके बाहर की तरफ भी मूर्तियाँ बनाई हुई है और जो गवाक्ष है पुरुषंग जो गवाक्ष है चैत्य गवाक्ष उसमें गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है जिसके ऊपर सिल्वर लेप हुआ है और ये वाद्य बजाते हुए ऊपर सिंह का मूर्ति का अंकन किया गया है और वहाँ के चैत्य गवाक्ष में ये देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। ऊपर याली की मूर्ति बनाई गई है, आप देखिए देवी देवताओं के ऊपर याली की मूर्ति
इस तरह से टेम्पल अभी क्लोज्ड है, हम देखते हैं अगर ये अंदर से खुल जाता है तो इसको देखते हैं, तब तक हम रावण दरबार की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, बाय।